आज का हमारा नया टॉपिक है द फ्लाई पोएम बाय कैथरीन मैंसफील्ड। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर बूढ़ा है, बॉस भी बूढ़ा है और वुडी फील्ड भी बूढ़ा है। यहाँ पर वुडी फील्ड बॉस से ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, उतनी उम्र नहीं होती है लेकिन बॉस उससे बड़ा होता है। अब वुडफील्ड बहुत ही बीमार रहता है, दोनों सेम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं लेकिन वुडफील्ड जल्दी अपनी रिटायरमेंट ले लेता है। दोनों फ्रेंड हैं आपस में और वुडफील्ड का ये बॉस भी है। ये लोगों की दोस्ती इतनी इतनी अच्छी है कि दोनों हर ट्यूसडे को मिलते हैं। तो एक दिन वुडफील्ड ऑफिस जाता है और वहाँ पर देखता है कि सब कुछ चेंज हो गया है और वहाँ जाकर लेक्चर भी देता है, मतलब कि भाषण देता है सबको, जितने कर्मचारी काम कर रहे होते हैं कि बॉस बहुत ही अच्छा इंसान है, देखो उसने ऑफिस में कितनी तरक्की कर ली है और सब चीज़ को भी चेंज कर दिया है। तो उसके बाद फिर ये बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन ये बॉस को बताना भूल जाता है। कुछ देर के बाद बॉस बोलता है कि अरे तुम कुछ कह रहे थे मुझे लेकिन बताए नहीं। तो बोलता है कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा। फिर थोड़ा समय बीतता है, ये लोग पानी विस्की खाना खाते हैं। उसके बाद फिर बोलता है वुडफील्ड कि अरे मुझे याद आया, मेरी जो बेटी है ना वो बेल्जियम से आई है और वो कब्र के पास गई थी, ठीक है, वो कब्र के पास गई थी अपने भाई के, और वहाँ पर तुम्हारे बेटे की कब्र के पास भी गई थी। तो वहाँ पर वो काफ़ी दोनों का देखभाल कर रही है कब्र के पास, मतलब कि कब्र में जो पत्ते हो गए हैं उसको हटा रही है, फूल जाकर दे रही है, मोमबत्ती जला रही है, अगरबत्ती जला रही है। तो अब वैसे दोस्त बॉस जो है इन सब चीज़ों से दूर जा चुका है और अपने बच्चों, ये अपने बेटे को याद नहीं करता उतना, क्योंकि ये जानता है कि याद करेगा तो रोना शुरू कर देगा ये। वैसे तो इनके दोनों बेटों की मौत जो है वो वर्ल्ड वॉर में लड़ने के दौरान हुई थी। उसके बाद वुडफील्ड चला जाता है, बॉस रोने लगता है, अपने आप को ऑफिस के एक रूम में बंद कर लेता है और वहाँ पर रोते रोते अचानक देखता है कि एक मक्खी आती है और वो इंक पॉट में गिर जाती है। फिर वहाँ से वो निकलती है, कोशिश करते करते अब उस खुद को वो साफ़ करती है। ये सारा चीज़ देख रहा होता है द बॉस, और फिर बॉस का मन करता है कि उस मक्खी को फिर से उसमें डाल दें। फिर से वो निकलती है, मेहनत करके खुद को झाड़ती है, साफ़ होती है और फिर उड़ने की कोशिश करती है। तो ऐसा द बॉस 5 से 6 बार करता है और फिर इसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक मक्खी की तरह हो गई है, कि सब मतलब मुझे बार बार याद आता है अपने बेटे का तो मैं बार बार रोता हूँ, फिर ठीक होता हूँ, फिर रोता हूँ, मतलब एक मक्खी से कंपेयर कर रहा है खुद को। फिर ये मक्खी को दबा के हाथ से मार देता है और रूम खोलकर निकल जाता है और सोचता है कि मैं अगर यही चीज़ सोचता रहूँगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं भी मर ही जाऊँगा एक दिन। लेकिन मुझे ये ऑफ़िस मेरे मरे हुए बेटे के लिए मुझे चलाना है, इस ऑफ़िस को मुझे उसका नाम देना है, ये ऑफ़िस उसके नाम से चलेगा। फिर वो अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।